हाउ टू डील विद रूड एंड इंसल्टिंग पीपल। हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल में। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आपको कैसे रूड, इल मैनर्ड और इंसल्टिंग लोगों को डील करना है। दोस्तों, आपके आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे आपको सबके सामने नीचा दिखाया जाए, कैसे आपके इंसल्ट करके अपना ईगो सेटिस्फाई किया जाए। ऐसे लोग हर तरफ होते हैं, चाहे आपके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या फिर बिजनेस पार्टनर। दोस्तों, इंसल्ट का मतलब होता है कि जब आपसे कोई बदतमीजी करे या फिर इज्जत से बात ना करे। देखिए, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता और वो हमेशा घुटन में जीते हैं। वो खुद इज्जत पाने के लिए हर किसी का मजाक बनाते हैं, पर ऐसे लोगों को कोई सीरियसली नहीं लेता। देखिए, हम आगे बात करें, इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। देखिए, कोई घटिया इंसान दूसरों को इंसल्ट दरअसल चार वजहों से करता है। नेगेटिव पर्सन, ऐसा इंसान बेहद नेगेटिव होता है, वो हर चीज में कमी ढूंढ निकालता है जबकि सभी कमियां खुद उसके अंदर मौजूद होती हैं। आप उससे जितने भी पॉजिटिव बातें कर लें, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता, उसे तो बस दुनिया खराब ही दिखती है। इनसिक्योरिटी, देखिए, हमेशा रूट रहने वाला इंसान बेहद इनसिक्योर होता है। उसे ये डर हमेशा रहता है कि कहीं उसके पास जो है वो आप छीन ना लें। शायद यही वजह होती है कि वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए बेवजह ही आपकी इंसल्ट करता है। जेलसी, इंसान के रूड होने की सबसे बड़ी वजह होती है उसका जेलसी वाला नेचर। आपकी कोई तारीफ करे तो उसको दिक्कत, आप कोई सक्सेस पाले तो उसकी दिक्कत, आपसे कोई इज्जत से पेश आए तो उसकी दिक्कत। यानी जलन से भरे इंसान को आपसे बदला लेने के लिए एक ही तरीका मिलता है और वो है आपकी बेइज्जती करना और अपने ईगो को सेटिस्फाई करना। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देखिए, कई बार कोई इंसान आपका दिल दुखाने के लिए आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा होता, वो तो हंसी मजाक के लिए आपकी खिंचाई कर रहा होता है। दिल दुखाने का उसका कोई इरादा नहीं होता। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ अगर कोई इंसान आपकी इंसल्ट करता है तो आपको कैसे उससे डील करना है। स्टे काम, अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उससे निपटने का एक उपाय ये भी है कि आप शांत रहें और उसे अपना फॉल्स ईगो सेटिस्फाई करने दें। दरअसल वो नेगेटिव इंसान चाहता ही यही है कि आप उसकी बात पर रिएक्ट करें और तू मैमे की नौबत आ जाए। मेरी आपको ये सलाह है कि आप ऐसे इंसान से झगड़े नहीं, बस उससे दूरी बना लें। सिंपली इग्नोर, देखिए, ऐसे बदतमीज इंसान से पार पाने का ये भी तरीका है कि आप उसकी हर बात को इग्नोर कर दें, यहाँ तक कि बात करना भी बंद कर दें, उसकी बातों को ज्यादा भाव ही ना दें। उसे समझ में आ जाएगा कि आखिर उसकी औकात क्या है। एक्सप्रेस हाउ यू एग्जैक्टली फील, देखिए, जलन रखने वाला इंसान को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, पर कई बार आपके सच्चे दोस्त ही आपका मजाक बना रहे होते हैं। अगर आप उनकी बातों से आहत हो रहे हैं तो उन्हें बोल दें कि ऐसा ना करें, आपको ठेस पहुंच रही है तो आपके सच्चे और समझदार दोस्त ऐसा नहीं करेंगे। यूज ह्यूमर, कई बार आप रूड इंसान की बातों का जवाब कुछ अलग अंदाज में दे सकते हैं। आप उसके इंसल्ट को मजाक में लें तो देखिएगा उस पर खासा फर्क पड़ेगा। देखिए, उसका मकसद होता है आपको नीचा दिखाना और आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देना, पर अगर जब उसकी बात को आप मजाक में ले लेंगे तो उल्टा उसका मुंह बंद हो जाएगा। रिपोर्ट इंसल्ट्स, अगर आपके कलर, कास्ट, जेंडर, रिलीजन को लेकर आपकी बेइज्जती कोई करता है तो उसे गंभीरता से लें और उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। इंटरनेट पर भी अगर आपको कोई जानबूझकर परेशान कर रहा होता है और भद्दे कमेंट पोस्ट करता है तो उसकी रिपोर्ट भी जरूर दर्ज करवाएं। फील गुड अबाउट योरसेल्फ, नेगेटिव इंसान के नेगेटिव कमेंट से आप कई बार सचमुच हर्ट हो जाते हैं। ऐसे में अपना मूड ठीक करने के लिए आप कुछ अलग काम कीजिए, चाहे पोयम लिखिए, वॉक पर चले जाइए, जिम चले जाइए, मूवी देखिए। आपको अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना आप भी उस नेगेटिव इंसान की तरह नेगेटिव होते चले जाओगे। डॉक्यूमेंट योरसेल्फ, कई बार नेगेटिव इंसान आपकी बेइज्जती तो कर जाता है लेकिन जाने अनजाने में ये बता जाता है कि आपके अंदर कौन सी कमी मौजूद है। ऐसे में आप उस वीक पॉइंट का नोट बनाइए और उस कमी को सीरियसली लीजिए और उसे दूर भगाइए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये सलाह पसंद आई होगी और आगे भी आप हमसे सलाह चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें या फिर हमें फोन कॉल जरूर करें।